हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद अपने रफ्तार में है। दोनों राज्यों में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन उससे ठीक पहले हुई बारिश अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल बारिश के बाद अनाज में नमी की मात्रा बढ़ गई है और किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। नमी की बढ़ी हुई मात्रा के कारण उन्हें अपनी उपज एमएसपी से 400 रुपए कम पर बेचनी पड़ रही है। एक खबर के मुताबिक किसान अपनी उपज को एमएसपी से काफी कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। उपज 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिक रही है, जबकि धान की एमएसपी 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। धान में नमी की मात्रा की स्वीकार्य सीमा 17% है। किसान दावा कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चला रही हैं और निजी खरीद एजेंसियां उपज को औने पौने दाम पर खरीद रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।